देव राजेंद्र, आपने यहाँ एक असुर को लाने का दुस्साहस क्यों किया? यहाँ तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी अन्य का यहाँ लाया जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। विश्वकर्मा जी, इनका अपमान नहीं सहूंगा मैं। ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये पाताल लोक के अधिपति असुर राज सिंदूरा है ये। और हम देवता इनका सम्मान करते हैं। इन्हें अमृत की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें अमृत प्रदान कीजिए। अमृत? युद्ध देखने में मुझे आनंद तो बहुत आता, किंतु उसके लिए समय नहीं है मेरे पास। इस विश्वकर्मा को भी सम्मोहित कर लेता हूं मैं। संघर्ष नहीं, सहयोग चाहता हूं विश्वकर्मा जी। और मुझे आगे जाने दीजिए। जो आज्ञा। वेदा का शिल्पकार मैं ही हूं। सर्वप्रथम प्रवेश करने का अधिकार आपका है असुर सम्राट सिंदूरा जी, किंतु स्मरण रहे, प्रवेश करने के बाद दो प्रहर के भीतर भीतर यदि अमृत कलश तक नहीं पहुंच सके तो यहां के सभी सुरक्षा घेरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे और आप अनंत काल के लिए यहां बंदी बन जाएंगे। अब मूलाधार से ऊपर द्वितीय चक्र
स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वादिष्ठान चक्र तक बढ़ने दो और अपनी मूल प्रकृति पर नियंत्रण पाकर उसे परिवर्तित कर उससे कहीं आगे जाने का सामर्थ्य प्राप्त करो। तब सत्य है और ये भोजन मिथ्या। स्वादिष्ट भोजन के लालच में पड़कर मैं अपने तप को भंग नहीं होने दूंगा। अब मैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार आदि अवगुणों से मुक्त होकर शुद्धता प्राप्त करता हूँ। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। मणिपूरक चक्र उस दिव्य मणियों से सुशोभित नगरी के समान है जिसकी दिव्य ज्योति तुम्हारे विचारों को स्पष्ट बनाएगी। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अब मणिपूरक चक्र तक बढ़ने दो। जागृत करो इस चक्र को और अपने आत्मज्ञान को उजागर करो। विश्वकर्मा जी आगे बढ़िए। इस प्रकार तो मेरे अमृत तक पहुंचने के पूर्व गजानन अपना तप संपन्न कर लेगा। उसके पूर्व भी अमृत पान करना है मुझे। शरीर में इस तप से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे भावनाओं के आवेग में बहा रही है। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। मैं स्वयं को सभी प्रकार के भय और दुविधा से मुक्त करता हूँ। अपनी सभी भावनाओं का मैं ही स्वामी हूँ। अब चतुर्थ चक्र अर्थात अनाहत पर अपना ध्यान केंद्रित करो। स्नेह का मंदिर है ये चक्र। प्रेम से सिंचित वो पावन स्थली है जिसमें आत्मा वास करती है। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अनाहत चक्र तक गतिमान करो गजानन। क्या हुआ? हम सुरक्षा चक्र के द्वितीय घेरे तक पहुंच गए हैं। अच्छा, कहां? विलंब मत करो, शीघ्र खोलो। क्या हुआ?
ये अग्नि रेखाएं अत्यंत ही घातक हैं। इन अग्नि रेखाओं को भेद पाना तो मेरे लिए भी असंभव है। समय का चक्र बड़ी तीव्रता से घूमता जा रहा है। अमृत तक पहुंचने के लिए मात्र दो प्रहर है मेरे पास, और ये कार्य मुझे उस बालक के तप संपन्न करने के पूर्व ही पूर्ण करना है। अब मुझे अपने और सभी जीवों के भीतर परमात्मा के पावन दर्शन हो रहे हैं। मैं अपनी आत्मा के नेत्रों से अपने वास्तविक रूप को देख पा रहा हूँ। पंचम चक्र विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। विशुद्धि चक्र शरीर और आध्यात्मिक दोनों में शुद्धि और सामंजस्य स्थापित करने का स्थान है। अब अपनी कुंडलिनी शक्ति को विशुद्धि चक्र से एकीकार करो। अब वो द्वार भी मैं खोल चुका हूँ जिससे मैं अपनी चेतना को पूर्णता की ओर ले जा रहा हूँ। षष्ठम चक्र अजना पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने तीसरे नेत्र के स्थान पर अर्थात वहां केंद्रित करो जो तुम्हारे विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। मात्र एक क्षण के लिए बैठ सकता मैं, थोड़ा सा विश्राम कर लेता तो थकान दूर हो जाती मेरी। इतना थक गया हूँ मैं, विश्राम चाहिए मुझे। गजानन के तप के स्थान से आने वाली ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूं मैं। वो बहुत शीघ्रता से अपने तप में आगे बढ़ रहा है। सिंदूरा, मेरी चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? गजानन की शक्तियां जागृत हो रही हैं। यदि तुम्हारे अमृतपान के पूर्व ऐसा हो गया तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। गजानन जो तप कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो यह कार्य तुम्हें अभी करना होगा। समय नहीं है मेरे पास, शीघ्र समस्या का समाधान सुझाइए मुझे। विश्वकर्मा जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है आपका ये कवच इन अग्नि रेखाओं के प्रभाव को झेल सकता है? मैं सृष्टि का शिल्पकार हूँ देवराज इंद्र, और मेरे द्वारा रचित इस कवच में ही इन अग्नि रेखाओं को रोक पाने का सामर्थ्य है। प्रतीत होता है वो प्रकाश अमृत के स्थान से ही उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अपने लक्ष्य के समीप पहुंच रहा हूं मैं। अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया है। नहीं, लक्ष्य प्राप्त किए बिना मैं थकान स्वीकार नहीं करूंगा। हे
सत्य की साधना करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि सत्य तो मेरे समक्ष है, मेरे भीतर ही है सत्य। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से उसे पहचान चुका हूँ। अब तुम पूर्ण आत्मज्ञान के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो गजानन। अपने ध्यान को अपने शेष के चरम स्थान पर केंद्रित करो। यह है तुम्हारे तप का अंतिम चरण, सप्तम चक्र, सहस्त्रार चक्र, जो अनंत है। अब अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने शरीर के भीतर से बाहर आने दो गजानन, और उसके माध्यम से दिव्य ज्योति के पास ले जाने दो। ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे ये ऊर्जा मुझे भेद देगी, मेरे भीतर विस्फोट कर मुझे खंड खंड कर देगी। तुम अब अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो गजानन। देखो तुम अपनी साधना में कितने आगे बढ़ाए हो। यदि अब तुमने साधना त्याग दी तो तुम्हारा संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु तुम ऐसा नहीं होने दोगे ना। लक्ष्य पर ध्यान स्थिर रखकर इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयत्न करो गजानन। तुम ऐसा कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम अवश्य सफल होगे। देवी पार्वती के पुत्र गजानन की शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। यदि सिंदूरा अभी भी अमृत तक नहीं पहुंचा है तो कदाचित अब बहुत विलंब हो चुका है। मुझे आभास हो रहा है कि अब समय शेष नहीं है। शीघ्रता करो, खोलो इस द्वार को। प्रकाश
क्यों गए? आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, तूने यहाँ तक आने का दुस्साहस कैसे किया? नहीं, ये कैसे संभव है? ये मेरे सम्मोहन शक्ति को तोड़कर बाहर कैसे आ गए?